नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रावण की, और ना सिर्फ केवल रावण की, हम बात करने वाले हैं आज के मॉडर्न वाइल्ड वर्ल्ड के श्रीलंका के निवासियों की, और ये जानने का प्रयत्न करेंगे दोस्तों कि लंका में आज की डेट में, आज के युग में रावण का क्या अस्तित्व है। हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, कभी कहानियां ऐसी भी सुनी है कि रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है लंका में, बल्कि राम का जलाया जाता है। कई लोग कहते हैं कि वह भगवान है और लंका में उसकी पूजा होती है। कई लोग कहते हैं कि बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। आज हम इन सारी बातों को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल वाकई में हकीकतन जमीनी सच्चाई क्या है, श्रीलंका में रावण का क्या अस्तित्व है, और दशहरे का ये जो पावन अवसर है ये श्रीलंका में किस प्रकार से मनाया जाता है। दोस्तों, इससे पहले हम पूरी कहानी की शुरुआत करें और आपको अंदर तक लेके जाएं, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक आपके इस प्रिय चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यही मौका है दोस्तों, तुरंत प्रभाव से आप सब्सक्राइब करें। ऊपर छोटी सी एक घंटी बनी है, उसको टनटना दीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियोस आप तक तुरंत ही, सीधे ही, जैसे ही वे आए आप तक पहुंच जाएं। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो दशहरा का ये पावन अवसर है, बुराई की हार और अच्छाई की जीत का एक परिचायक है। हम इसलिए भी इस महान दिन को मनाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आज के दिन श्री राम ने रावण को युद्ध में हराया था। पर हम बात करेंगे दोस्तों श्रीलंका के आज के निवासियों की, और रावण को श्रीलंका में किस प्रकार से देखा जाता है। बहुत सारी रोचक तथ्यों के बारे में हम आज पर्दा उठाएंगे। आपको पता है कि श्रीलंका में मैक्सिमम लोग बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट गौतम बुद्ध को मानने वाले बौद्ध लोग। वहां पर केवल 12.6 यानी कि करीब करीब 12.5% टोटल पॉपुलेशन की जो जनता है वही हिंदू है, ज्यादातर वो भी तमिलियन हिंदू है। तो वे लोग क्या सोचते हैं रावण के बारे में, और किस प्रकार से रावण की जो इम्प्रेशन है श्रीलंका में, उसको आज जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, रावण जो थे वो बहुत ही महान साधु के पुत्र थे। उन महर्षि का नाम था महर्षि विशर्ग, और उनकी जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था कैकसी, जो कि एक राक्षस कन्या थी। आप जानते हैं कि विशर्व इतने महान और इतने गुणी ऋषि थे कि वे सप्त ऋषियों में एक ऋषि माने जाते थे। और रावण को ही साधारण व्यक्ति नहीं था, वो स्वयं ब्रह्मा का पौत्र था। तो आप खुद सोचे कि किस तरह से ये शुरुआती से बहुत ही मेधावी व्यक्ति रहा। रावण या लंकेश, जिस भी नाम से हम जानते हैं, उनका बचपन का नाम था दशानन। दशानन बचपन से ही बहुत मेधावी छात्र थे, उन्हें जबरदस्त पढ़ाई करी थी और वे हर प्रकार के ज्ञान, विज्ञान एवं युद्ध कला में अति परिपक्व थे। ये भी कहा जाता है लोगों के द्वारा कि जो उनके 10 सर थे वो दरअसल में 10 सर नहीं थे, परंतु वो उनकी अति बुद्धि की एक तरह की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी। यानी इस तरह का माना जाता था कि उनके अंदर 10 सरों जितनी बुद्धि है। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया भी हुआ एक बार रावण के बारे में कि रावण के 10 सरों का असल रहस्य क्या था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर उस वीडियो को सर्च करें और रावण के बारे में ये वीडियो अवश्य जानें कि किस प्रकार वो एक साइंटिफिक डिवाइस था और जो 10 सर थे वो दरअसल में 10 सर नहीं थे, लेकिन उसको सब ये मानते हैं कि वो महापंडित थे। आपको पता है वो आयुर्वेद के भी अति गहन ज्ञानी थे। एक बार तो उन्होंने 7 किताबें लिखी हैं आज तक, जो कि आज भी उपलब्ध है, 7 जबरदस्त आयुर्वेद की किताबें जिनकी संरचना उन्होंने करी। तो एक प्रकार से वे अपने वक्त के जबरदस्त डॉक्टर भी थे और इंजीनियर। क्या आप जानते हैं दोस्तों, एक बार उनकी पत्नी के कहने पर उन्होंने खास तरह से एक ऐसी पुस्तक का निर्माण किया जिसमें आयुर्वेदिक उपाय थे नवजात शिशुओं के लिए। तो दोस्तों, ये बड़ी ही सुंदर बात है। आपको जान के अचरज होगा कि ना सिर्फ उनको आयुर्वेद में, यानी आजकल के हिसाब से हम बोले तो मेडिकल साइंसेस में ही इंटरेस्ट और उनकी रुचि और उनका ज्ञान था, परंतु वो एक जबरदस्त इंजीनियर और एरोनॉटिक साइंटिस्ट भी थे। ऐसा कहा जाता दोस्तों कि जो पुष्पक विमान था, जो जिसको लेकर के वो उड़ा करते थे, जिस पर ऐसा कहा जाता कि सीता जी को हरा गया था, उसका निर्माण भी उन्होंने स्वयं किया था। ये भी दोस्तों माना जाता है कि श्रीलंका में आज भी ऐसे कई स्थल हैं जो कि शायद एक जमाने में
लंका के एयरपोर्ट रहे होंगे, जहां पर रावण के इसी प्रकार के अजीब गरीब शक्तिशाली विमानों का संग्रह किया जाता। दोस्तों, रावण अति बुद्धिमान होने के अलावा एक जबरदस्त शिव भक्त भी हुआ करते थे। उन्होंने कई दिन, महीने और साल शिव की आराधना करी और उनसे बहुत सारे अति शक्तिशाली दिव्यास्त्रों की प्राप्ति भी करी। भगवान शिव उनसे अति प्रसन्न रहा करते और उन्हें बहुत सारी शक्तियों से भी उनको प्रदान किया गया था। अब हम बात करते हैं कि श्रीलंका में जो लोग हैं वो रावण के बारे में किस प्रकार की अभिव्यक्ति करते। तो दोस्तों, श्रीलंका में एक तो ऐसा हमने आपको बताया कि ज्यादातर लोग बौद्ध हैं, तो उन्हें तो बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो रामायण से इतनी ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। परंतु जितने भी थोड़े बहुत लोग वहाँ हैं जो हिंदू हैं, जो मानते हैं, वो एक बहुत न्यूट्रल तरीके से रावण के प्रति सजग है। न्यूट्रल से मेरा मतलब ये है कि वे नहीं सोचते रावण कोई पापी था या राक्षस था या उसकी पूजा करे या उससे नफरत करे, ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। जहां तक हम जानते हैं दोस्तों, वे केवल रावण को इसी प्रकार से याद करते हैं कि रावण एक महान राजा था और उनमें बहुत सारे गुण थे। वो महाप्रतापी था, महाज्ञानी था, बहुत सारे आक्रांताओं से उन्होंने श्रीलंका की बार बार रक्षा करी और उनके राज में श्रीलंका को सोने की लंका कहा जाता था। अगर हम कुछ बातों की मतलब हमने जहां सुना है, हमने ये भी सुना है दोस्तों कि श्रीलंका में रावण के कई लोग इस प्रकार भी सोचते हैं कि उन्होंने सीता का हरण करा ही नहीं था, सीता की हरण की बात ही नहीं हुई है। वे ये मानते हैं कि ये पूरा युद्ध जो था ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि शूर्पनखा ने श्री रामचंद्र जी से प्रेम का अभिवेदन किया और उसको नकार देने के पश्चात लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काट दी और ये बहुत ही असहनीय हो गया क्योंकि दशानन की हुए शूर्पनखा यानी उसका जो पुराना नाम था, जो असली नाम था, वो था चंद्रनखा। तो चंद्रनखा की नाक काटने पर वे बहुत ही आग बबूला हो गए। श्रीलंका के वासी इस बात से भी उनको याद करते हैं कि उन्होंने रावण को उनके अपने भाइयों ने ही धोखा दिया और उनके साथ नहीं खड़े हुए जब वे अपनी बहन की अस्मिता की रक्षा करने की प्रयत्न कर रहे। तो ना कोई बहुत ज्यादा मंदिर बनाए जाते हैं वहां पर, थोड़े बहुत मंदिर होंगे जरूर, वो तो भारत में ही होंगे, लेकिन थोड़े बहुत मंदिर है लेकिन वहां पर ना उनकी पूजा करी जाती है। वहां पर रावण केवल एक तरह की कहानी है, एक ऐसे राजा की कहानी जो बहुत ही प्रतिभावान था, शक्तिशाली था और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वो एक अच्छे अंत तक प्राप्त नहीं हो पाए। सो दोस्तों, आपको आज की ये रावण की अनसुनी कहानी कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों यही वक्त है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियोस बिल्कुल सीधे ही आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप हमसे जुड़े रहे और हमारी ये आपस में दिलों के तार जो है इसी तरह से आपस में स्पंदित होते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।